मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई महिला नीति का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की गेस्ट हाउस स्कीम का भी अनुमोदन हुआ। गेस्ट हाउस स्कीम के अनुमोदन होने से प्रदेश में अब 6000 नए पर्यटक गाइड बनाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। वहीं नई महिला नीति से बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में पर्यटक गाइडों के चयन, प्रशिक्षण और उन्हें लाइसेंस दिए जाने के संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से अब करीब 6000 नए गाइडों को स्वरोजगार मिल सकेगा। बैठक में राजस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 का भी अनुमोदन किया गया, जिसके जरिए विभाग में विशेष कौशल रखने वाला स्थायी कैडर सृजित हो सकेगा। आपको बता दें कि विभाग में वर्तमान में स्थायी कैडर पर बहुत कम अधिकारी उपलब्ध हैं। साथ ही एचआईवी एड्स महामारी के प्रसारण को रोकने के लिए भी संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया। वहीं मोटर वाहन उपनिरीक्षक पद की सीधी भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने, साक्षात्कार के प्रावधान हटाने के लिए संशोधन को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट की मीटिंग बुधवार को प्रस्तावित रहती है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है और ओवरऑल डिस्कस कि राजस्थान में किस तरह से पूरे बजट को लागू करना, मैनेजमेंट करना, हर मंत्री अपने अपने प्रभार के क्षेत्रों में जाए, मॉनिटरिंग करें, कलेक्टर से बात करें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, टाइम टू टाइम उनसे मिलें, ये सब डायरेक्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिए। ये आप मानकर चलिए कि राजस्थान की सरकार बात नहीं करती, डायलॉगबाजी नहीं करती। कल जिस तरह से विपक्ष का नेता बोल रहे थे, जिस भाषा में वो बात कर रहे थे, वो भाषा राजनीति के लिए ठीक नहीं है। इतना एक सीनियर व्यक्ति जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के लिए बोल रहा था, किसी भी मंच पे आ जाए, मेरे से बहस कर ले, आपसे क्या बहस कर ले, आप तो झूठ बोलते हो, झूठ के ऊपर बहस होती है। आपको कितनी बार तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में उनको निरुत्तर कर दिया, वो जवाब नहीं दे पाए मुख्यमंत्री जी की किसी भी बात का।